स्टूडेंट्स, आज हम एक्सेल को एमएस एक्सेल को कैसे रन करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं वो सीखेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं जिनका हम यूज़ करके एक्सेल एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि एमएस एक्सेल होता क्या है। ये एक एमएस ऑफिस का ही पार्ट है। एमएस ऑफिस के तीन पार्ट्स हम करने जा रहे हैं। एमएस वर्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एमएस एक्सेल हम करेंगे, इसके बाद हम एमएस पावर पॉइंट करेंगे। तीनों ही एमएस ऑफिस की एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने एमएस वर्ड के बारे में पढ़ा था कि वो एक वर्ड एडिटर है, वर्ड प्रोसेसर है, इसी तरीके से अगर हम एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ें तो एक ये स्प्रेडशीट पैकेज है। स्प्रेडशीट होती कैसी है? स्प्रेडशीट इस टाइप से होती है जिसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं, और रोज़ और कॉलम्स जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो एक रेक्टेंगल हमें मिलता है जिसको हम सेल बोलते हैं। तो कलेक्शन ऑफ सेल्स होते हैं स्प्रेडशीट में। तो स्प्रेडशीट्स पैकेज हम कह सकते हैं एमएस एक्सेल में। जनरली हमारे पास जो लिस्ट्स होती हैं, डाटाबेसेस होती हैं, स्प्रेडशीट्स होती हैं, बैलेंस शीट्स होती हैं, ठीक है, वो सारे वर्क्स हम एमएस एक्सेल में आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको मेन हमने स्प्रेडशीट पैकेज बोला है। आज भी आपको किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, एमएस एक्सेल में बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या है इसको रन करने के लिए? हम सिंपली स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, जो कि टास्क बार में एक बटन होता है इस टाइप से। ये एक बटन होता है, ये टास्क बार है मेरा नीचे। इस टास्क बार में बिल्कुल लेफ्ट साइड में एक स्टार्ट बटन होता है जिस पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। और इसको स्टार्ट करने के लिए हम विंडोज़ की भी प्रेस कर सकते हैं। कीबोर्ड पे विंडोज़ की होती है, उसको हम प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स आता है, इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं एक्सेल लिख दूंगा। एक्सेल लिख के एंटर की प्रेस कर दूंगा कीबोर्ड से, तो मेरा एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा मेथड है सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं, सिंपली हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से विंडोज़ की को प्रेस करेंगे, और ये जो नीचे टेक्स्ट बॉक्स है इसमें लिखने की बजाय हम प्रोग्राम्स पे जाएंगे, ये ऑल प्रोग्राम्स हैं, इस पर क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्राम्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को वहाँ पे ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, और जहाँ पे हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलता है हम वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक कर देंगे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक करने के बाद हमारे पास आगे वो उसके सब फोल्डर्स आ जाएंगे, ठीक है। उनमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इस तरीके से हम एक्सेल को स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, क्लिक ऑन एमएस एक्सेल। इसी तरीके से थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड के लिए हम क्या करते हैं, आप डेस्कटॉप पे कहीं पर ही राइट बटन क्लिक कीजिए। राइट बटन क्लिक में न्यू का ऑप्शन आता है, हम न्यू पे जब हम क्लिक करेंगे, ठीक है, न्यू सब मेनू पर जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से मेरे पास एक सब मेनू खुलेगा आगे। उसमें से मैं सिलेक्ट करूँगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट। तो मेरे पास एक एक्सेल की वर्कशीट का आइकन आ जाएगा जिसको मैं रीनेम करके और उसमें अपना काम कर सकता हूँ। नेक्स्ट मेथड है फोर्थ मेथड, जिसको हम बोलेंगे कि आपको इस टाइप का कोई भी आइकन मिल जाता है अगर आपकी स्क्रीन में, विंडोज एक्सप्लोरर में, माई कंप्यूटर में या डेस्कटॉप पे, तो उसको हम डबल क्लिक करके एमएस एक्सेल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो एमएस एक्सेल ओपन होगा उस वर्कबुक के साथ जिस वर्कबुक को हम यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। फिफ्थ मेथड क्या है? हम विंडोज की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और फिर उसे होल्ड रखते हुए हम आर प्रेस कर देंगे, मतलब विंडोज़ के साथ मैं आर प्रेस करता हूँ। तो इस टाइप से मेरा पास रन का डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसमें मैं एक्सेल टाइप करके ओके बटन पे क्लिक कर दूँगा। तो मैंने क्या किया था, विंडोज़ के साथ आर प्रेस किया था, तो रन वाला बॉक्स मेरे पास आ गया, डायलॉग बॉक्स जिसमें मैंने एक्सेल लिखा और ओके पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो एक्सेल खोलने के बाद इस टाइप से मेरी पहली स्क्रीन आएगी, इसको हम पहली स्क्रीन बोलेंगे जो फर्स्ट ऑफ ऑल का है। तो इसमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हमारे पास वही चीज़ जैसे कि हमने एमएस वर्ड में पढ़ा था, ऑफिस बटन होता है बिल्कुल लेफ्ट में। फिर ये सारे टैब्स हैं, होम, इंसर्ट,
पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, उसके नीचे ये रिबन्स हैं, ठीक है। रिबन के नीचे ये जो क्लिपबोर्ड के नीचे लिखा हुआ है A1, और ये वाला जो बार है जिसमें A1 लिखा हुआ है, इस बार को बोलते हैं फार्मूला बार। इस बार को हम क्या बोलते हैं? फार्मूला बार, ठीक है। ये नीचे सारे सेल्स हैं, और ये ABCD ये कॉलम्स को हमने नाम दे रखे हैं। सॉरी एक मिनट, ये सारा कॉलम्स को नाम दे रखा है ABCD। इसी तरीके से ये रोज के नंबर हैं 1, 2, 3। रोज रोज को तो नंबर्स में रिप्रेजेंट कर रखा है, और कॉलम्स को हमने नेम्स में रिप्रेजेंट कर रखा है। अगर इसके राइट साइड में चलोगे तो स्क्रॉल बार आता है ऊपर नीचे जाने के लिए, और नीचे आप ये देख रहे हो नीचे ही ये Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3 लिखा हुआ है। ये शीट टैब्स हैं। बाई डिफ़ॉल्ट एक वर्कबुक के अंदर 3 वर्कशीट होती हैं, तो 3 टैब्स बने हुए हैं। आपने जिस वर्कशीट पे जाना है उस टैब पे आप क्लिक कर दोगे, आप पर्टिकुलर वर्कशीट पे चले जाओगे, और वर्कशीट के लेफ्ट साइड में हमारे पास कुछ स्क्रॉल बार्स हैं। अगर शीट टैब्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो शीट टैब्स के बीच में स्क्रॉलिंग करने के लिए हम इस स्क्रॉल बार को यूज़ कर सकते हैं। बीच में ये सारे सेल्स हैं, तो सेल्स की कलेक्शन है ये स्प्रेडशीट, ठीक है, जहाँ पे आपके कॉलम और रोज मिलके इंटरसेक्ट करके एक रेक्टेंगल बनाते हैं, उस रेक्टेंगल को हम सेल बोलते हैं। तो कॉलम्स को हमने रिप्रेजेंट किया नेम से, और रोज को हम रिप्रेजेंट करें नंबर से। इस टाइम पे हमारा जो ये जो डार्क है थोड़ा सेल जो डार्क है, यहाँ पे सेल पॉइंटर है, ठीक है। सेल पॉइंटर को हम एरोज की जो होती हैं कीबोर्ड पे, उनसे हम मूव कर सकते हैं। हम ये सेल पॉइंटर जिस भी सेल पे रखेंगे वो मेरा एक्टिव सेल हो जाएगा। मतलब एक्टिव सेल का मतलब है हम जो भी एडिटिंग या कुछ टाइपिंग करेंगे या कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे उस पर्टिकुलर सेल पे होगा, जहाँ पे आपका सेल पॉइंटर होगा, सेल पॉइंटर वाला आपका एक्टिव सेल होगा। तो यहाँ पे ये सेल पॉइंटर मेरा A1 पे है, तो फॉर्मूला बार में A1 डिस्प्ले कर रहा है इसलिए, ठीक है। ये A1 क्या हो गया? सेल का एड्रेस हो गया। सेल एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाई कॉलम नेम एंड रो नंबर। तो स्टूडेंट्स आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं। MS Excel को अच्छे तरीके से सीखने के लिए, अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, और मेरे नेक्स्ट वीडियोस को एक्सेस करने के लिए आसानी से, आप मेरे चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका आपसे ये अनुरोध है, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलते रहें। तो थैंक यू वेरी मच।